एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि हमारी सिस्टर्स, हमारी बहनें, हमारी माएँ, ख़वातीन ये समझती हैं कि ज़माना तरक्की की तरफ जा रहा है, मॉडर्न दौर आ रहा है, जदीद दौर आ रहा है, और उसके लिहाज से अपनी जो उनकी ड्रेसिंग्स हैं उनको उन्होंने चेंज कर लिया, सर पर दुपट्टा नहीं, दे आर नॉट कवरिंग देयर सेल्फ, वो अपने आप को कवर नहीं कर रही और अल्लाह के हुक्म का पास नहीं रख रही। तो ये चीज़ मैं उनको क्लियर कर दूँ। अल्लाह ताला ने सूरह एहज़ाब में जब नबी की बीवियों को ये हुक्म दिया, नबी की बीवियों को और मुसलमान औरतों को, या अय्युहन नबी कुल ली अज़्वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, के अपने आप को छुपा लो, जलबाब डाल लो, अपने आप को छुपा लो। तो आगे ही सूरतुल एहज़ाब में ये भी बता रहा है, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, कि ए नबी की बीवियों, ए नबी की घर वालियों, जैसे पहले ज़माना हुआ करता था ना, कुफर का ज़माना था, जाहिलियत का ज़माना था, तब ऐसे हुआ करता था कि औरतें जो हैं नंगे सर और ऐसी ड्रेसिंग्स, अपने आप को कवर नहीं करना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वैसी जो पुराना ज़माना है, जो जाहिलियत का ज़माना है, जो कुफर का ज़माना है, उसको भुलाओ और उसको दूर करो, उसको छोड़ दो। तो ये हम आगे नहीं जा रहे, ये कोई जदीद तरक्की नहीं हो रही, ये हम वापस उस जाहिलियत का जो ज़माना है उस पर वापस जा रहे हैं, जो कि आज अगर आप ख़वातीन को देखें, हमारी सिस्टर्स और हमारी मदर्स, जो कि ये प्राउड फील करती हैं कि हम जो है वो ज़माने के साथ साथ जो है वो तरक्की कर रहे हैं। नो, तरक्की नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ये जो ज़माना अब है, जिसमें आप कह लें कि ये जो नाइंसाफ़ी और ये सब कुछ, जितने ये सारे कुछ आप देखें, तो ये वही ज़माना है जो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जाहिलियत का ज़माना था। नाइंसाफ़ी होती थी, किसी को किसी की परवाह नहीं होती थी, जानवरों की तरह जो है वो लोग ज़िंदगी गुजारा करते थे, कोई आदल व इंसाफ नहीं था, जुल्म ही जुल्म था। तो ये सारा वो पीछे ही जा रहा है, कोई तरक्की नहीं हो रही। तो इसलिए काइंडली जो है, आप अगर तरक्की कोई भी चाहता है तो तरक्की अल्लाह ताला के अहकाम के साथ ही तरक्की है।